समाचारों सिलसिला आपणे आगळ वधारीए अने हवे नजर करीए देश विदेशना समाचार पर। तो केन्द्र सरकार द्वारा कृषि कायदा परत खेंचवानी जाहेरात कर्या बाद भावि व्यूहरचना नक्की करवा माटे सिंधु बॉर्डर पर एक संयुक्त किसान मोर्चानी बैठक मळी हती। कहेवामां आवी रह्युं छे के हवे आगामी बैठक 27 नवेम्बरे योजाशे। आ पहेला शनिवारे संयुक्त किसान मोर्चा अने पंजाबना 32 खेडूत संगठनोना अग्रणी नेताओनी जे 9 सभ्योनी समितिनी बैठक छे ए योजाई हती। अजेंडामां खेडूतोनी मुख्य मांगणी पर विचार करवामां आव्यो हतो। आ साथ अलग अलग 688 शहीद खेडूत परिवारों ने वर्तर आप अंगेनी पण वाचित करामां आवी हती। वो चालू रहेंगे 27 को 11 बजे कजारिया में फिर मीटिंग होगी जिसमें देश में जे 3 विवादास्पद कृषि कायदाओ पाछा खेंची लेवानी सहित नी जे विविध मांगणीओ पर एक वर्षथी वधु समयथी आंदोलन करी रह्या छे, जेने लईने युनाइटेड किसान मोर्चाए सोमवारे लखनऊमां किसान महापंचायत बोलावी छे, जेमां SKM भविष्यनी व्यूहरचना पर विचार कराशे। त्रणे कृषि कायदाओ रद्द करवानी केन्द्र सरकारनी जाहेरात थई होवा बाद जे खेडूत नेताओ छे तेमनुं कहेवुं छे के ज्यां सुधी सरकार लघुत्तम टेकाना भाव एटले के MSP अने लखीमपुर खेरी हिंसानो जे केस हतो एनी बाहेंधरी आपतो कायदो नहीं बनावे त्यां सुधी केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा तेनी बरतरफ नहीं करे અને ત્યાં સુધી તેમનું આંદોલન પણ ચાલુ રહેશે। એજન્ડા યે હૈ કે આજ પૂરી લોગ ઉસમાં રહેંગે ઓર એજન્ડા યહી રહેગા કે કાનૂન વાપસી હો ગયે હૈ અબ ઓર આગે કી જો મુદ્દે હૈ મુકદમે કા ઇશ્યુ એક બડા રહેગા જો કિસાન હમારે શહીદ હો ગયે ઉનકા એક બડા ઇશ્યુ રહેગા तो ये सारे इशू रहेंगे। सर पार्लियामेंट में ट्रैक्टर मार्च की भी बात कही जा रही है। वो 29 तारीख तक के जो प्रोग्राम है वो भी एट्रेजीज हैं। आप जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर? सिंघू बॉर्डर पे युद्धवीर सिंह रहेंगे और सब लोग रहेंगे वहाँ पे। हम लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ में लखनऊ महापंचायत है कल है। हाँ। उसकी कुछ व्यवस्था आज जाएंगे तो आज दे। ये तो यही सारे इशू है। एक मुद्दा हट जाएगा कि सरकार ने कहा प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पहल करिए कि 3 कानून हम वापसी ले रहे हैं तो हट जाएगा। दूसरे मुद्दे अभी हैं। भारतीय जनता पार्टी ना सांसद साक्षी महाराजे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चूंटनी और 3 कृषि कायदाओं ने परत खेंचवाने लेने एक मोटू निवेदन आप्यु छे। तेमणे कह्युं छे के बिल बनता रहे छे, बगड़ता रहे छे, ते पाछा आवशे, ते फरीथी बनाववामां आवशे, तेमां कोई समय लागतो नथी। તે જે સમયે ઉત્તર પ્રદેશમાં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની પણ પ્રશંસા કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે યોગી આદિત્યનાથનો જે રાજ્યમાં કોઈ તોડ જ નથી। આજી નવજોત સિંહ સિદ્ધુને પાકિસ્તાન પ્રધાનમંત્રી કો બડા ભાઈ માના હૈ ઇસકો લેકર ક્યા કહેંગે સિદ્ધુ? કબ ક્યા કહેંગે? ઉનકે બયાનો સે ઉનકી પાર્ટી સંકટમાં ફસ જાતી હૈ। पर मैं संत होने के नाते एक नेक सलाह दे सकता हूँ, छोटे भाई को बड़े भाई के पास ही रहना चाहिए। तो अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। आ प्रमाणे नी ट्वीट करीने योगी आदित्यनाथे ट्विटर में तेमनो देशप्रेम तो छलके छे पण ए देशप्रेम करता पण वधारे रोचक छे ए बे तस्वीर जे तेमणे पोताना ट्विटर पर आ पंक्तिओ साथे अपलोड करी हती। वास्तव में जे बे तस्वीर योगी आदित्यनाथे पोताना ट्विटर पर अपलोड करी छे एमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेशना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथना खभा पर हाथ मूकीने फरता नजरे पड़े छे। રાજભવનમાં ફરતા ફરતા આ બંને નેતાઓ રણનીતિ અથવા કોઈ ગંભીર મુદ્દે ચર્ચા કરી રહ્યા હોય એવી ધારણા સહજપણે બાંધી શકાય છે। નેવી ડે પહેલા જ ભારતીય નૌકાદળના લડાયક કાફલામાં મોટો વધારો થયો છે। સ્વદેશી સ્ટીલ્થ મિસાઇલ ડિસ્ટ્રોયર શિપ એટલે કે INS વિશાખાપટ્ટનમ આજે એટલે કે રવિવારે ભારતીય નૌકાદળમાં સત્તાવાર રીતે સામેલ થઈ ગઈ છે। INS વિશાખાપટ્ટનમને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહની હાજરીમાં મુંબઈ ડોકયાર્ડ ખાતે આયોજિત કમિશનિંગ સમારોહમાં ભારતીય નૌકાદળમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે 25 નવેમ્બરે સ્કોર્પિયન ક્લાસની 4th સબમરીન એટલે કે INS વેલા પણ દેશની દરિયાઈ શક્તિ વધારવા માટે આ નૌકાદળનું જે લડાયક દળ છે તેમાં સામેલ થઈ હશે।
मुझे इस बात की खुशी है कोविड के कहर के बावजूद शिप ने नवंबर 2020 में बेसिन ट्रायल्स और अभी कुछ दिन पहले मेडन ट्रायल्स पूरी कर लिए हैं। इस पर न केवल 40 फाइटर प्लेन्स आ सकते हैं बल्कि यह एंटी एयर एंटी सबमरीन और लैंड पर वार करने वाले मिसाइल से भी लैस है। यह कैरियर हमारी रीच इंडियन ओशन से बढ़ाकर पैसिफिक और एटलांटिक ओशन तक कर देगा। आईएनएस विक्रांत की कमिश्निंग न केवल नेवी के लिए बल्कि इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में भी एक गोल्डन मोमेंट होगा। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और 1971 में भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा अवसर शायद ही कोई। साथियों, आज जब हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अपने राष्ट्र नायकों और पूर्वजों महापुरुषों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की हमारी प्रतिबद्धता है और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए स्वदेशी, राष्ट्रीय एकता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। बात करिए हवे एनसीपी ना नेता नवाब मलिक ने तो महाराष्ट्र ना मंत्री और एनसीपी ना नेता नवाब मलिके अभिनेता शाहरुख खान ना पुत्र आर्यन खान ना केस में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एटले के एनसीबी पर पोतानो हमलो यथावत राख्यो छे। मलिके एनसीबी ना तपास पर निशान साधता हाईकोर्ट ना आदेश नो उल्लेख कर्यो हतो अने एक ट्वीट कर्यो हतो के हाईकोर्ट नो आदेश साबित करे छे के आर्यन खान नो केस अपहरण अने खंडणी नो मामलो हतो अने ते पूर्व योजित हतो, परंतु जाहिर डोमेन में रिलीज थे एक सेल्फीए तमाम योजनाओं ने निष्फल बनाई दीधी थी और हवे छेतरपिंडी पण पर्दाफाश थयो छे। क्रिकेट जगत की बात करिए तो दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी टी ट्वेंटी मैच में पोतानी छेल्ली मैच ने लईने एक इच्छा जाहिर करी छे। महेंद्र सिंह धोनी एक कार्यक्रम में कह्युं हतुं के ते हमेशा पोतानी कारकिर्दी में योजना बनावीने ज क्रिकेट रम्यो छे। आ दरमियान तेणे ए पण जणाव्युं के ते चेन्नई में तेनी छेल्ली टी ट्वेंटी मैच रमवा मांगे छे, पछी ए आवता वर्षे होय के आवता पांच वर्ष में गम्मे त्यारे होय। नोंधनीय छे के चेन्नई सुपर किंग्से धोनीनुं आ निवेदन पोताना ट्विटर पर पण पोस्ट कर्युं हतुं जे झड़पथी वायरल थयुं हतुं। Have played, you know, whether we are playing at Chepauk or we go to Bangalore, we go to Mumbai, we go to Delhi, or when we have played at Durban, Joburg or Dubai, we have got the most support, you know, wherever we needed them. So I would like to thank the fans for supporting us the way they have done, even through the lean patch. 2 years we were missing. And those 2 years were the most talked about years when it came to CSK in the social media. That's what fans are there for. When we are not doing well, when we are not there, they backed us. I've always planned my cricket. You know, my last game that I played was in Ranchi. The ODI version, the last home game was at my hometown in Ranchi. So hopefully my last T20, you know, it will be in Chennai. ક્રિકેટ જગતની વાતને આગળ વધારે તો ઐતિહાસિક સ્થળ ઈડન ગાર્ડનમાં જે કલકત્તામાં આવેલું છે ત્યાં 3 વર્ષ બાદ T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમાવાની છે। ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે સિરીઝની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ કલકત્તાના ઈડન ગાર્ડનમાં રવિવારે રમાવાની છે। ભારત આ સિરીઝમાં જે 3 T20 મેચની સિરીઝ છે એમાં 2-0 આગળ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ 2 મેચ જીત્યા બાદ કેપ્ટન રોહિત શર્મા પોતાનું આક્રમક વલણ જે છે એ છોડશે નહીં, પરંતુ આજે ત્રીજી અને છેલ્લી T20 મેચમાં રિઝર્વ ખેલાડીઓ જે છે ભારતના તેમને સંભવતઃ રમાડવામાં આવી શકે છે। આ મેચમાં ઈશાન, આવેશ ખાન અને ઋષભેન્દ્ર ચહલને પણ તક મળવાની સંભાવના છે। ભારતે સંપૂર્ણ સિરીઝ દરમિયાન એક ઓલરાઉન્ડર બેટિંગ અને બોલિંગનું પ્રદર્શન પણ કર્યું છે। જે પ્રાપ્ત જાણકારી છે એ પ્રમાણે ઈડન ગાર્ડનમાં 70% દર્શકોને આ સ્ટેડિયમમાં હાજરી આપવામાં આવશે। આ સાથે સમાચારોના સિલસિલાને આપણે અહીં જ વિરામ આપીએ। વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત।